Hello viewers, I am Amara, Thai YouTuber from Pakistan. I make videos for cooking, eating, outing, shopping, DIYs, vlog and many more. If you like something about my channel, please don't forget to subscribe. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back Amara's Kitchen. यहाँ पे जी सुबह का टाइम है और हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता करने के बाद हम साथ वाले प्लांट में आ गए। वो कासनी उधर एक टन का प्लांट बना रहे थे तो मैं ऐसी बस चहलकदमी कर रही थी पास पास। तो देखिए मौसम कितना ज़बरदस्त है माशाल्लाह। अभी अभी बारिश हो के हटी है और हमारे इधर तो ऐसे मरी नारायण जैसा मौसम है। डेली शाम को बारिश आ जाती है। इतना ज़बरदस्त मौसम है। ये देखिए ये पौधा मुझे इतना पसंद है ना, इसकी वाइट वाइट फूल इसके नीचे से ऐसे गिरे होते हैं, सारी नीचे से ज़मीन भरी होती है। तो जी घास का प्लांट तकरीबन ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो इन्होंने जी जाना है लेके प्लांट को आज ही। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त फूल थी। अच्छा ये ना बकैन के दरख्त पे इतने ज़्यादा भीड़ ने अपने घर बनाए हुए थे, वो खरे नहीं होती वो बनाई थी, तकरीबन 8-10 हैं खरे। देखिए अभी अभी बारिश हो के हटी है। बहुत ज़बरदस्त मौसम है। उसके बाद जी मुकाश तो चले गए, शाम हो गई। यहाँ पे हम लोग 10-10 वाला गोला मंगवाने लगे। मेरी फ्रेंड आई है वो और मैंने उसे कहा जाओ नीचे से बच्चे हैं उसको आवाज़ देके मंगवा लो। अच्छा जी उसे बहुत शौक है गोले का। अच्छा यहाँ पे बनता भी मज़े का है क्योंकि उसमें ना इमली डाल के देते हैं। ये देखे बिल्कुल दरवाजे के सामने गोले वाला खड़ा, डेली शाम को रेडी लगाता है आके। ये देखे यहाँ पे जी हमारे गोले आ चुके हैं। देखें कितने मज़े के गोले हैं, यम्मी से। तो चलें जी अब चलते हैं छत पे और गोला एंजॉय करते हैं। साथ में आप लोगों को वेदर चेक कराती हूँ आज का फिर शाम के टाइम कैसा हो गया। इतना ज़बरदस्त मौसम हो गया है, इतने काले बादल हैं। ये देखें कैसे दीवारें सारी भीगी हुई हैं। कितना ज़बरदस्त मौसम हो गया है। अभी भी ये बादल थोड़े से कम थे और नेक्स्ट ये थोड़ी सी अगला क्लिप मैंने लिया है एक और, उसमें मैं दिखाती हूँ। चलें जी मौसम में ठंडा ठंडा गोला। ये देखिए बादल और आ गए हैं बिल्कुल ब्लैक, इतने ज़्यादा खौफ आग से बादल आ गए। अच्छा जी उसके बाद फिर ना हम लोगों ने दोपहर को ना आलू चिकन बनाए थे हल्के से शोरबे वाले, तो एक दफ़ा खाए हैं उसके बाद फिर खाने को दिल नहीं किया। मैंने कहा चले इनको ना आज कोई कुछ नया कर देती हूँ इसके साथ, ये मतलब चावल बना लेती हूँ इसके थोड़े से। तकरीबन एक गिलास चावलों के लिए है मैंने ये इसको भिगो दिया है। ये देखिए तीले में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला क्योंकि सालन में ऑयल काफ़ी था, और ज़ीरा डाल दिया है उसमें एक बड़ा चम्मच। इसको थोड़ा सा सोटे कर लेंगे। और जी एक बारी कटा हुआ मैंने छोटा सा प्याज लिया है, इनको लाइट ब्राउन कर लेंगे बिल्कुल थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि वो जो सालन बनाया था उसमें तो ऑलरेडी प्याज ब्राउन करके ही डाले थे। बस ऐसे ही अब इसमें एक बड़ा टीस्पून चिली फ्लेक का डाल दिया है, नमक डाल दिया है हाफ टी स्पून, बड़ा नहीं था चिली फ्लेक्स का भी छोटा ही था, ज़्यादा नहीं मिर्च डाली मैंने। इनको मिक्स कर लेंगे। बस इतना सा ही मसाला बनाना था, बाकी टमाटर सारा कुछ मैंने डाला हुआ है उसमें सालन में। ये भी बस ना भी डालते तो कोई मसला नहीं था, बस ये था कि थोड़ा सा रिन्यू हो जाने थे, सही हो जाने थे। अब जो हमने वो सालन वगैरह रेडी किया है ना वो बना हुआ था हमारा वैसे पहले का ही, तो ये मसाला हमारा बन गया है।
सालन भी मैंने डाल दिया, सब्ज़ मिर्चें भी डाल दी। उसके बाद जी जो चावल बने उसको क्लिप बनाना याद नहीं रहा, तो ये साथ में विकास जी लेके आए थे, खीर लेके आए थे, फिर हम लोगों ने इंजॉय की। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।